सो गाइस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ गैस इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ रियल गैस पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. सो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ए और बी का, है ना. सो बहुत ही सिंपल बात है ना. आपको एक इक्वेशन दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि भाई इसका डायमेंशन निकाल दो. ठीक है, पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. ठीक है. सो यार देखो, दो लाइक अगर मैं बात करूँ डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस अगर एडिशन, देखो एडिशन किसी भी दो क्वांटिटीज़ का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल होने चाहिए, है ना. दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. यानी कि p इज इक्वल टू a अपॉन v स्क्वायर होना चाहिए, समझ रहे हो. यानी a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी वी स्क्वायर. ठीक है, यानी डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, p क्या है, प्रेशर है, है ना. p क्या है, प्रेशर है. तो प्रेशर का फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया, समझे क्या. सो फोर्स क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर. ठीक है, सो प्रेशर हो जाएगा एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू. ठीक है, भी क्या है, वॉल्यूम है, तो इसका एल क्यूब बचाता है. सो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल के पावर सिक्स हो जाएगा. इतनी बातें तुम्हें समझ में आती होंगी. ठीक है, सो एम एल के पावर माइनस वन इंटू टी के पावर माइनस टू इंटू एल के पावर सिक्स. सो एम एल के पावर फाइव टी के पावर माइनस टू, ये डायमेंशन हो गया ए का. ठीक है, अब बी के डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए म्यूचुअली. सो बी इज इक्वल टू बी, सो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल क्यूब. ठीक है, सो आप ऑप्शन में अपने चेक कर सकते हो, ये हो गया आपका आंसर.